नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉपुलेशन के बारे में संपूर्ण स्टडी करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन की साइज क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होते हैं, ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं और सर्वाइवरशिप कर्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसे हिंदी में समष्टि कहा जाता है, समष्टि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। निश्चित स्थान, निश्चित समय पर एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये आपका खेत है, क्या है, खेत है। इस खेत में जुलाई के महीने में, पाए जाने वाले जीवों की संख्या, यह क्या है, चूहे, चूहे का जूलॉजिकल नाम है रेटस नॉर्वेजिकस। अकॉर्डिंग टू लिनियस, पहला वंश का, दूसरा जाति का, तो इसमें जाति क्या है, नॉर्वेजिकस। तो रेटस नॉर्वेजिकस की जो सदस्य है वो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाए तो वो कहलाता है समष्टि कहलाता है। तो किसी निश्चित स्थान पर एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। अब हम बात करते हैं समष्टि से संबंधित शब्दावली। समष्टि से संबंधित क्या क्या शब्दावली होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहली है लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन इसको डीम्स भी कहते हैं, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। डीम्स लोकल पॉपुलेशन किसी स्थान की स्थानीय जाति, किसी भी स्थान की स्थानीय जाति वहां की लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। किसी भी स्थान की स्थानीय जाति, क्या कहलाती है, लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहाड़ी का इलाका लेते हैं, जैसे अरावली, तो पहाड़ी के इलाके में पाए जाने वाले मानव जितने भी होंगे वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसे कहेंगे पहाड़ी मानव समष्टि। तो यहाँ की ये क्या होगी, लोकल पॉपुलेशन होगी। दूसरा है सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर का मतलब होता है, अपन अगर लोकल भाषा में यूज करें तो बहन, तो मतलब बहन से मतलब समानता। तो
तो समानता से मतलब दो क्षेत्र की अलग अलग जाति, अलग अलग समष्टि ले लें। मान लिया पहाड़ी इलाका है, ये है मैदानी इलाका, यहाँ की मानव जाति और यहाँ की मानव जाति। तो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित समान समष्टियां, दोनों है तो अलग अलग लेकिन है क्या, समान है। मानव समष्टि, यहाँ पे भी मानव समष्टि, तो यहाँ की मानव समष्टि और यहाँ की मानव समष्टि दोनों आपस में समान है, इस कारण इसको कहते हैं सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित समान समष्टियां क्या कहलाती है, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती है। अब हम तीसरी बात करते हैं मेटा पॉपुलेशन। नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, मेटा पॉपुलेशन दो सिस्टर पॉपुलेशन, ये S1 सिस्टर पॉपुलेशन, ये S2 सिस्टर पॉपुलेशन, इन दोनों को जोड़ने वाले जितने भी सदस्य होंगे, सिस्टर पॉपुलेशन को जोड़ने वाले सदस्य क्या कहलाते हैं, मेटा पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो सिस्टर पॉपुलेशन को जोड़ने वाले सदस्य मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन शब्द किसने दिया, रिचर्ड लेविन। रिचर्ड लेविन ने ये शब्द दिया और इन्होंने मेटा पॉपुलेशन को कहा पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कहा। रिचर्ड लेविन ने मेटा पॉपुलेशन कहा पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कहा। और मेटा पॉपुलेशन थ्योरी अलका हंसी ने दी। तो आपको ध्यान रखना है मेटा पॉपुलेशन शब्द रिचर्ड लेविन ने दिया, उन्होंने कहा मेटा पॉपुलेशन को कहा पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कहा, और मेटा पॉपुलेशन थ्योरी दी अलका हंसी ने दी। तो ये शब्दावली थी, इम्पोर्टेंट शब्दावली जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं समष्टि के महत्वपूर्ण लक्षण। समष्टि के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या लक्षण होते हैं समष्टि के, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो समष्टि का पहला लक्षण लेते हैं हम पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज आकार बोलते हैं इसको। पॉपुलेशन साइज कैसे निर्धारित की है, जीवों की संख्या के द्वारा पॉपुलेशन की साइज निर्धारित की है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन की साइज कहलाती है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कितनी संख्या में इंडिविजुअल प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन की साइज कहलाता है
पॉपुलेशन की साइज को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉपुलेशन की साइज को प्रभावित करते हैं? तो पॉपुलेशन क्या डायनेमिक है, ये परिवर्तनशील रहती है। फिक्स नहीं रहती है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन की साइज को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं? चार इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है इमिग्रेशन रेट, इमिग्रेशन, चौथा है इमिग्रेशन। तो बर्थ रेट, नए जन्म लेने वाले सदस्यों की दर, मरने वाले सदस्यों की दर, इमिग्रेशन, आवासन बोलते हैं इसको, मतलब समष्टि के अंदर आने वाले आवासन या आप्रवासन, क्या बोलते हैं? आप्रवासन। समष्टि के अंदर नए आने वाले जीवों की संख्या और समष्टि से बाहर जाने वाले की संख्या, इसको बोलते हैं उत्प्रवासन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्प्रवासन। आई से याद करना आपको, आई मतलब इन, ई से एग्जिट। जन्म दर, मृत्यु दर, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो ये जो पहले पहला और तीसरा फैक्टर है, ये जब होगा तो पॉपुलेशन की साइज ना बढ़ेगी। नए जन्म लेंगे बच्चे तो साइज बढ़ेगी, नए आएंगे तो भी बढ़ेगी, डेथ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की साइज घटेगी। पॉपुलेशन से कोई लोग बाहर जाएंगे तो साइज घटेगी। तो पॉपुलेशन की जो अपन एक एक करके पढ़ते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है निकालने का बर्थ रेट और डेथ रेट? बर्थ रेट, किसी निश्चित समय में प्रति सजीव जन्म लेने वाले सदस्यों की संख्या, निश्चित समय में कितने जन्म लिए प्रत्येक सदस्य पर, वो कहलाता है जन्म दर। तो जन्म दर का फॉर्मूला होगा नए जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या वाले सदस्यों की संख्या बटा कुल जनसंख्या। तो देखिए दोस्तों, इसको प्रति 1000 सजीवों पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या के रूप में निकाला जाता है। आपको ध्यान रखना है, 1000 सामान्यतः से 1000 से गुणा करते हैं। उसी प्रकार डेथ रेट, डेथ रेट को क्या करेंगे यहां पर, क्या करेंगे अपन, मरने वालों की संख्या संख्या अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 1000। इसी प्रकार इमिग्रेशन, इमिग्रेशन रेट कैसे निकालते हैं,
बाहर जाने वाले जीवों की संख्या, ई से याद करना एग्जिट से, बाहर जाने वाले जीवों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या इनटू 1000, इसको पूरे को 1000 से गुणा करना है। चौथा है इमिग्रेशन, ये क्या होता है, इसमें आई से याद करना इन, नए आने वाले जीवों की संख्या नए आने वाले जीव बटा कुल जनसंख्या इनटू 1000। तो ये चार फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से हम डेथ रेट, इमिग्रेशन रेट, बर्थ रेट निकाल सकते हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है जनसंख्या वृद्धि का, जनसंख्या वृद्धि एक साथ दिए गए जन्म दर ये है, मृत्यु दर ये है, इमिग्रेशन रेट ये है, तो किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि निकालेंगे उसका फॉर्मूला। एन टी बराबर एन जीरो प्लस बी बर्थ रेट को बताएगा, आई बताएगा इमिग्रेशन नए आने वाले, माइनस डी प्लस ई, डी प्लस ई। तो ये जो होते हैं, ये फॉर्मूला जो है जनसंख्या वृद्धि निकालने के काम आता है। एन टी क्या होता है, एन टी होता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। एन जीरो पुरानी जनसंख्या है, शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी, उसके बाद कितने आए, कितने गए, कितनों ने जन्म लिया और कितने मरे, वो कहलाता है पुरानी, ये पुरानी जनसंख्या पे निकालते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मान लो किसी स्थान की जनसंख्या, एग्जाम्पल किसी स्थान की जनसंख्या 2000 थी, कितनी थी 2000 थी, और जन्म लेने वालों की संख्या 100 है और मरने वाले 40 है, इसी बीच बाहर से 120 आए, बाहर से आए मतलब इमिग्रेशन 90 आए, बाहर से मान लो 120 आए और 90 चले गए, वापस चले गए, तो अपन को वर्तमान जनसंख्या निकालनी है। इसको फॉर्मूले में रखते हैं, एन टी बराबर एन जीरो कितनी है, एन जीरो 2000 प्लस जन्म लेने वाले कितने हैं 100 है, प्लस अंदर कितने आए
बाहर से आए कितने, 120 माइनस मरने वालों की संख्या 40 प्लस नब्बे बाहर बाहर चले गए। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 2000 प्लस 220 हो गई ये माइनस 130, 2000 प्लस 220 में से 130 गए पीछे बचे 90, तो टोटल जनसंख्या कितनी 2090। तो इस फॉर्मूले से आप जनसंख्या निकाल सकते हो, किस प्रकार से जनसंख्या को निकाला जाता है, जनसंख्या वृद्धि निश्चित समय के बाद। तो कभी भी एग्जाम में आए तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करना। अब हम बात करते हैं आगे पॉपुलेशन की साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज, कितने मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन की साइज निकाल सकते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन की साइज निकालने के तीन तरीके हैं, डायरेक्ट काउंट, जीवों की संख्या को डायरेक्ट काउंट करे जाए तो वो कहलाता है वो निकालेगा पॉपुलेशन की साइज, इसको मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। दूसरा है सैंपलिंग करना, सैंपलिंग करके और स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस करना दूसरा भी है। तीसरा तरीका है कैप्चर या मार्क मेथड, कैप्चर इसको मार्क भी करते हैं। तो ये जो मोबाइल स्पीसीज होती है पक्षी वगैरह इनके लिए किया जाता है, मोबाइल स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है कैप्चर एंड मार्क मेथड। अब हम अपन आगे बात करते हैं, दूसरा लक्षण लेते हैं पहला अपन ने पढ़ा पॉपुलेशन साइज, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से मतलब है वितरण या फैलाव, पॉपुलेशन किस प्रकार से फैली रहती है तो तीन प्रकार से हो सकता है, तीन डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। पहला है समान रूप से समान डिस्टेंस में हो, डिस्टेंस मेंटेन रहे, इक्वली दे आर डिस्ट्रीब्यूट, समान रूप से वितरित, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है यादृच्छिक हो, कोई फिक्स नहीं हो, कोई कहाँ बैठा है किसी का कोई पता पता नहीं है तो वो कहलाता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहलाता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है ग्रुप में अपने अपने लंगोटिए यार को लेकर के अलग अलग चले गए, जैसे होते हैं ना शादी ब्याह में पीने वाले अलग बिना पीने वाले अलग, तो वो कहलाता है क्लब डिस्ट्रीब्यूशन, CLUMP, समूह बनाना, क्या होता है समूह बनाना। तो पॉपुलेशन जो डिस्पर्जन होता है तीन प्रकार से हो सकता है, यूनिफॉर्म, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है क्लब डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट रहती है। अब हम आगे बात करते हैं
दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तीन प्रकार से रह सकती है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। पहला डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है क्लंप बनाना। तो ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट रहती है। अब हम अपन आगे बात करते हैं एज पिरामिड, आयु पिरामिड क्या होते हैं, पॉपुलेशन के आयु पिरामिड के बारे में स्टडी करेंगे। आयु पिरामिड या एज पिरामिड, एज पिरामिड को कैसे परिभाषित करेंगे। जितने भी समष्टि में कितने वर्ग के लोग रहते हैं, आयु वर्ग के लोग, पहले अपन को देखना होगा आयु वर्ग क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयु पिरामिड। तो आयु वर्ग तीन भागों में बांटा जा सकता है। अपन एग्जांपल ले सकते हैं कुंवारे, शादीशुदा, जवान, युवा, तीसरा है बुढ़े या डोकरे, या जो प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं वही। पहला ये जो गलत है प्री रिप्रोडक्टिव एज गलत है। क्या गलत है? प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज 0 से 16 साल, ये गलत है। रिप्रोडक्टिव एज 16 से 40 साल, और ये 40 से ऊपर, 40 से ऊपर जो होंगे वो कहलाते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या कहलाते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कहलाते हैं। तो ये जो तीन एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका ग्राफिकल निरूपण जो होता है वो कहलाता है एज पिरामिड। तो ये तीन जो आयु वर्ग के लोग हैं इनका आरेखीय निरूपण क्या कहलाता है? आयु पिरामिड कहलाता है। समष्टि में आयु वर्ग का आरेखीय निरूपण, तो आरेखीय निरूपण क्या कहलाता है? एज पिरामिड कहलाता है। तो ये तीन प्रकार के पिरामिड हो सकते हैं। पहला ट्रायंगल पिरामिड, दूसरा बेल शेप पिरामिड, और तीसरा हो सकता है आर्न शेप। अपना जो चरु होता है उसके हिसाब से। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, और ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये तीन जो एज ग्रुप है। तो पहला ये जो है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये कहलाता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव एज, ये कहलाएगा प्री रिप्रोडक्टिव। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है आयु पिरामिड कहलाता है। इस पिरामिड का नाम देते हैं ब्रॉड बेस पिरामिड। क्या कहते हैं?
ब्रॉड बेस पिरामिड, इसको कहते हैं बेल शेप पिरामिड, इसको कहते हैं आर्न शेप पिरामिड, आर्न शेप पिरामिड। तो इसमें देखिए इस इनकी कंपैरिजन करते हैं हम, इसमें जो 0 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो होते हैं, मतलब जन्म दर बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर बहुत कम है, तो जनसंख्या क्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, ग्रोविंग पॉपुलेशन है। तो इसमें क्या है, डेथ रेट जो है वो कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है। तो जनसंख्या क्या है, बढ़ रही है, क्या है, बढ़ रही है, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज क्या इंक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बराबर है, तो पॉपुलेशन साइज क्या स्थिर है, साइज कैसी, स्टेबल है, स्टेबल या स्थिर साइज है। तीसरा है, इसमें क्या है, देखिए बर्थ रेट बहुत कम है और डेथ रेट बढ़ रही है, तो ये पॉपुलेशन साइज क्या होगी, साइज क्या करेगी, डिक्रीज होगी, साइज घटेगी। तो ये तीन प्रकार के जो पिरामिड है, ब्रॉड बेस पिरामिड, बेल शेप पिरामिड, अर्थ शेप पिरामिड, जो फर्स्ट वाला पिरामिड है इसको ब्रॉड बेस पिरामिड को ट्रायंगल पिरामिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिभुज दिख रहा है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं। वर्तमान में इंडिया की जो जनसंख्या वो बढ़ ही रही है लगातार, तो इंडिया इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया में किस प्रकार का आयु पिरामिड पाया जाता है। तो इंडिया दोस्तों, अब हम समष्टि के वृद्धि मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं, ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन या वृद्धि मॉडल। इसको, इसका वृद्धि मॉडल को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो समष्टि की वृद्धि का समय के साथ ग्राफ, समष्टि की वृद्धि का समय के साथ ग्राफ, ग्राफ का प्रतिरूप क्या कहलाता है, ग्रोथ मॉडल कहलाता है। तो समष्टि की यहाँ पे वृद्धि बताएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और यह समय, टाइम। तो इसके आधार पर समष्टि किस प्रकार से पैटर्न बन सकते हैं, दो पैटर्न बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशन रहेगी, किस आधार पर इनको बांटा गया वृद्धि मॉडल को। तो समष्टि के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समष्टि में दो प्रकार के वृद्धि मॉडल पाए जाते हैं, बेस क्या है, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के वृद्धि मॉडल पाए जाते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, दूसरा है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इनको संसाधन, अगर यहाँ पर संसाधन पूरी तरह से हो, संसाधन अनलिमिटेड, कोई कमी नहीं है, भगवान का भंडार भरा हुआ है, यहाँ पर संसाधन क्या, लिमिटेड संसाधन हो, यहाँ पर संसाधन फुल हो और यहाँ पर संसाधन लिमिटेड हो। तो अगर संसाधन अनलिमिटेड हो तो एक्सपोनेंशियल वृद्धि दिखाती है समष्टि, अगर संसाधन फुल ऑफ हो, सॉरी संसाधन नहीं हो
तो वो दिखाएगी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दिखाएगी। तो पहले अपन बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के बारे में। जब संसाधनों की अनलिमिटेड संसाधन अनलिमिटेड हो, पहला मॉडल स्टडी कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए से बोलते हैं चर घातांकी वृद्धि मॉडल। तो जैसा कि अपन को पता है कि संसाधन अनलिमिटेड हो तो समष्टि किस प्रकार से ग्रो कर सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। अगर अपन समष्टि की स्टडी करने जा रहे हैं, अगर समष्टि स्टार्ट हो रही है फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, अगर समष्टि में इंडिविजुअल पहले से ही है तो ऐसे ग्रोथ करेगी। अगर समष्टि में इंडिविजुअल नहीं है तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये किस कंडीशन बनता है, कौन सा स्केल लेते हैं और इसमें कौन सा स्केल लेते हैं। अगर अर्थ में फर्स्ट वाला है, अगर अर्थमेटिक स्केल यूज करते हैं अर्थमेटिक स्केल की कंडीशन में ये वाला लेते हैं बिगेनिंग स्टार्ट फ्रॉम फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल। बिगेनिंग स्टार्ट फ्रॉम फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल। और इसमें क्या है, इंडिविजुअल नहीं है शुरुआत में, तो इसको कहते हैं लॉग अर्थमेटिक स्केल। क्या बोलते हैं, लॉग अर्थमेटिक स्केल, लॉग अर्थमेटिक स्केल लेते हैं। तो ये जो समष्टि का वृद्धि मॉडल है, इसमें वृद्धि जो हो रही है समष्टि की, वो शुरुआत में ये वृद्धि धीरे धीरे होती है। समष्टि को इस्टाब्लिश होने में टाइम लगता है, तो वो कहलाती है लेग फेज कहलाती है। क्या कहलाती है, लेग फेज। जैसे ही समष्टि का वृद्धि ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती है तो ये एक्सपोनेंशियल स्टेज आती है, लगातार बढ़ती रहती है। समष्टि पूरी तरह से वृद्धि करती रहती है। आप एग्जाम में दोनों कोई सा भी बना सकते हो। मान लो आपको ये बनाते हो, लगातार समष्टि वृद्धि कर रही है समय नंबर ऑफ इंडिविजुअल, समष्टि की वृद्धि, इसको बोलते हैं जे सेप करो। क्या बोलते हैं, जे सेप करो। एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर संसाधन अनलिमिटेड हो तो समष्टि किस प्रकार की वृद्धि दिखाती है, तो एक्सपोनेंशियल वृद्धि दिखाती है। किस प्रकार की वृद्धि दिखाती है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि दिखाती है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। और दूसरा मॉडल का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये लेग फेज है, शुरुआत में समष्टि को इस्टाब्लिश होने में टाइम लगता है, जैसे इस्टाब्लिश हो जाती है उसके बाद पूरी तरह से ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेती है। इसके लिए फॉर्मूला है निकालने का, इकाई समय में समष्टि की वृद्धि डी एन अपॉन, फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, डी एन अपॉन डी टी बराबर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट एन। यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट को आर से दर्शाते हैं, माइनस करें अपन तो इसको आर बोला जाता है। प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंजिंग दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंजिंग दर। तो यहाँ पर समीकरण बनेगा डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन। ये जो है ये क्या है, इकाई समय में समष्टि की वृद्धि, इकाई समय में समष्टि वृद्धि,
कई समय में समष्टि की वृद्धि, और आर है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। ग्रोथ रेट बोल सकते हैं, प्राकृतिक वृद्धि की इंक्रीजिंग दर। ये जो चर घनता की समीकरण है, इस समीकरण का समाकलित रूप भी होता है। चर घनता की समीकरण जो है डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन का समाकलित रूप। तो समाकलित रूप क्या होगा, एन टी बराबर, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, एन जीरो ई आर टी। तो यहां पर एन टी क्या है, एन टी है समय टी में समष्टि की वृद्धि, समय टी में समष्टि वृद्धि। और एन जीरो है शुरुआत में समष्टि, जिसको जीरो मान सकते हो आप, शुरुआत में समष्टि। और आर है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर या मूलभूत दर, ये तो आपको पता ही है, प्राकृतिक वृद्धि की मूलभूत या इंट्रिंसिक दर। और ई है प्राकृतिक लघुगणकों का आधार, प्राकृतिक लघुगणकों का आधार। तो दोस्तों ऐसा प्रकृति में होता नहीं है कि इस प्रकार की वृद्धि पाई जाए, क्योंकि संसाधन लिमिट है। ये जो एक्सपोनेंशियल है ये प्रकृति में संभव नहीं है, प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। तो आपको याद रखना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रकृति में नहीं पाई जा जाती है। अब अपन आगे पढ़ते हैं दूसरा मॉडल, संवाद तंत्र या लॉजिस्टिक मॉडल। लॉजिस्टिक मॉडल या संवाद तंत्र दूसरा मॉडल है, लॉजिस्टिक मॉडल। इसमें क्या है, संसाधन लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड संसाधन हो तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ देखिए आप, इसका ग्राफ देखिए एस शेप में बनेगा, कैसा बनेगा, एस शेप बनेगा। ये जो है ये लास्ट वाले शुरुआत में लेग फेज आ गई, कौन सी फेज, लेग फेज, उसके बाद चर घातांकी, उसके बाद समष्टि की वृद्धि कम हो रही है, मंदन अवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदन अवस्था। उसके बाद ये स्थिर जाती है, बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर जाती है, जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ करना बंद कर देती है, इसे कहते हैं के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के बराबर कैरिंग कैपेसिटी, हिंदी में बोलते हैं पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। तो पोषण क्षमता को कैसे परिभाषित करेंगे, मतलब जीवों की अधिकतम संख्या जिसे पर्यावरण समायोजित कर सके, या पर्यावरण जिसको जीने की आज्ञा दे, जीवों की अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या जिसे पर्यावरण समायोजित या जीने की आज्ञा प्रदान करे, समायोजित कर सके, वो कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। प्रत्येक जगह की अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी होती है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम है तो कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, रिसोर्सेज ज़्यादा है तो कैरिंग कैपेसिटी अधिक होगी। तो ये जो है ये रियल लाइफ में पाई जाती है ग्रोथ। मानव इसका एग्जाम्पल है, मनुष्य किसका एग्जाम्पल है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है मनुष्य की जनसंख्या किस प्रकार का ग्रोथ दर्शाती है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पाया जाता है मनुष्य की जनसंख्या के अंदर, आपको ध्यान में रखना है। अब इसका क्या समीकरण होता है इसको निकालने का, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर, आपको पता ही है आर एन, ये वाला यहाँ तक का सेम याद करना आपको, उसके बाद क्या होगा ये ऐड करना आपको, के माइनस एन अपॉन एन, ये याद रखना है के माइनस एन अपॉन के, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ये समीकरण आपको याद रखना है किस प्रकार से वृद्धि निकालते हैं अपन। तो ये दो मॉडल हो गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब हम बात करते हैं समष्टि के प्रकार लाइफ हिस्ट्री के आधार पर, लाइफ हिस्ट्री के आधार पर समष्टि के प्रकार। तो दो प्रकार की समष्टि हो सकती है, सेमल पेरस और एट्रोपेरस। लाइफ हिस्ट्री के आधार पर समष्टि के प्रकार, लाइफ हिस्ट्री के आधार पर समष्टि के प्रकार। तो लाइफ हिस्ट्री से क्या मतलब है, लाइफ हिस्ट्री से मतलब है व्यक्ति की जनरेशन टाइम कितना है और एक जनरेशन टाइम के अंदर मतलब व्यक्ति अपने जीवन के दौरान कितने रिप्रोडक्ट, कितनी बार संतति उत्पन्न करता है, कितनी बार इवेंट आते हैं और एक इवेंट में कितने संतति उत्पन्न करता है, वो सारी चीज़ें सम्मिलित की जाते हैं। तो इसके आधार पर समष्टि दो प्रकार की होती है, सेमल पेरस और एट्रोपेरस। पहली है सेमल पेरस, सेमल पेरस SEMAL, सेमल पेरस और इटेरोपेरस। सेमल पेरस और इटेरोपेरस, सेमल पेरस इटेरोपेरस, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके जीवन काल में एक जनन काल होता है, जीवन में एक बार ही जनन करते हैं, इसका जो है ये अधिक बार करते हैं। दूसरा डिफरेंस है जनन काल के दौरान अधिक संतति उत्पन्न करते हैं, ये करते हैं कम संतति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कीट ले सकते हैं, इसको कीट बंबू प्लांट के अंदर बंबू बांस का पौधा एक बार ही जनन करता है, सिकाड़ा कीट भी होता है किसका, सिकाड़ा कीट। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं मानव, मनुष्य किस प्रकार का पॉपुलेशन है, इटेरोपेरस। तीसरा डिफरेंस है
डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ग्रोथ लगातार बढ़ती रहेगी। इसमें क्या है, एक निश्चित संख्या के बाद ग्रोथ कम हो जाती है। तो डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ होती है। चौथा डिफरेंस है जनरेशन टाइम जो होता है लार्ज, इसमें लार्ज होता है इसमें कम होता है। जनरेशन टाइम कम होता है इसमें होता है लार्ज होता है। जनरेशन टाइम क्या होता है, लार्ज होता है। अब इसको एक नाम देते हैं, सेमेल पेरेस जो पॉपुलेशन होती है उसको नाम देते हैं आर सेलेक्शन पॉपुलेशन। इसको बोलते हैं के सेलेक्शन पॉपुलेशन। तो कभी एग्जाम में आए आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन क्या, तो सारे करेक्टर्स के आएंगे, के सेलेक्शन आएंगे तो इसके आएंगे। ये आर और के सेलेक्शन नाम किसने दिए, तो इसमें देखिए इसमें पेरेंटल केयर किसमें पड़ता है। जंतु अपनी संतति उत्पन्न करने के बाद क्या केयर करते हैं अपने संतति की, तो इसमें पेरेंटल केयर अब्सेंट होता है, इसमें होता है प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं आर और सिलेक्शन ये किसने दिए थे टर्म, आर सिलेक्शन स्ट्रेटजी और के सिलेक्शन स्ट्रेटजी टर्म किसने दिए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो आर एंड के सिलेक्शन जो है टर्मिनोलॉजी गिवन बाय रॉबर्ट मेक आर्थर एंड ईओ विल्सन, नोट करके लिख लो आप, नोट आर एंड के सेलेक्शन टर्मिनोलॉजी गिवन बाय रॉबर्ट मेक आर्थर एंड विल्स ई ओ विल्सन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसने ये टर्मिनोलॉजी दी। अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सर्वाइवरशिप कर्व, इसके साथ आपका पॉपुलेशन की ब्रॉड स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। पॉपुलेशन में सर्वाइवरशिप कर्व किस प्रकार पाए जाते हैं, पॉपुलेशन सर्वाइवरशिप कर्व, तो ये सर्वाइवरशिप क्या बताता है और किस किस के मध्य ग्राफ बनता है। नंबर ऑफ सर्वाइवल और डिफरेंट एज ग्रुप में ग्राफ बनता है, तो ये बताता है कि किस एज ग्रुप में कितने सदस्य हैं। यह कर्व बताता है कि किस एज ग्रुप मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, किस एज ग्रुप में कितने जीवित सदस्य है, जीवित सदस्य है ये बताता है सर्वाइवरशिप कर्व। तो तीन प्रकार के कर्व बन सकते हैं, देखिए यहाँ पे तीनों एक साथ बना रहा हूँ मैं। तो ये नंबर ऑफ सर्वाइवल, नंबर ऑफ सर्वाइवल और यहाँ पर ले रहे हैं अपन डिफरेंट एज ग्रुप,
डिफरेंट एज ग्रुप। तो ये वाला यहाँ तक लेते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तीन एज ग्रुप है, इसके अंदर कितने जीवित संख्या पाई जाती है। तो पहला कर्व ऐसे बनता है, इसे कहते हैं हाईली कॉनकेव कर्व। दूसरा कर्व, ये फर्स्ट कर्व, ये दूसरा डायगोनल कर्व या इंटरमीडिएट कर्व बोलते हैं। तीसरा है ये इस प्रकार का कर्व। तो ये तीन कर्व पाए जाते हैं पॉपुलेशन के सर्वाइवरशिप के, तीन कर्व हैं। पहले कर्व की बात करते हैं अपन, पहले कर्व स्टडी करते हैं। हाईली कॉनकेव, इसको टाइप फर्स्ट। हाईली कॉनकेव या टाइप फर्स्ट कर्व भी बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। जन्म लेने के पश्चात, मान लिया यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात मृत्यु दर कम होती है। देखिए यहाँ तक ही देखो, यहाँ पे भी जन बहुत सारे जीव है, धीरे 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 पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में जाते हैं तब इनकी मृत्यु होती है। जन्म लेने के पश्चात मृत्यु दर कम होती है और लास्ट में जब प्रौढ़ा अवस्था आती है तब डेथ हो जाती है। तो जन्म लेने के पश्चात मृत्यु दर बहुत कम होती है। इसका एग्जाम्पल है मानव। दूसरा है हाईली कॉन्वेक्स। हाईली कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं टाइप सेकेंड। तो जन्म लेने, जैसे ही जन्म होगा, देखिए आप इसको, सॉरी टाइप सेकेंड, पहले टाइप थर्ड पढ़ते हैं, सॉरी टाइप थर्ड जिसे बोलते हैं हाईली कॉन्वेक्स। हाईली कॉन्वेक्स इसमें जन्मदर तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक साथ बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। जैसे कीट इसका एग्जांपल है, कीट जो है जन्म बहुत ज्यादा लिया फिर एकदम से मर जाते हैं बहुत सारे। कहने का मतलब है रिप्रोडक्टिव एज में बहुत कम पहुंचते हैं एक साथ, बहुत मतलब जनसंख्या बहुत कम हो जाती है लास्ट में, तो कीट इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है टाइप सेकेंड इन दोनों की बीच की कंडीशन होती है इंटरमीडिएट कंडीशन, न ज्यादा और न कम, वो कहलाती है इंटरमीडिएट कंडीशन। तो ये इंसेक्ट भी हो सका है इसका एग्जांपल, और ओस्टर सीपी जो होती है ये इसकी एग्जांपल है। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के पॉपुलेशन में सर्वाइवरशिप कर्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है, पॉपुलेशन अपना ख़त्म हो गया है की क्लास के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए गुड डे।